तेरा के अधीन। मैं समय दूंगा, मैं समय दूंगा, पर बैठे ऐसे नहीं। नहीं, नहीं, नहीं देखिए देखिए एक मैं देखिए आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले जरा कार्यवाही पूरी होने दीजिए। हर 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 विषय पर चर्चा करेंगे, हर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन ये देखिए 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 अभी ये आप कैसे कह रहे हैं। अभी देखिए SIT ये अखबार के अंदर, एक बार सुनिए, एक बार सुनिए, एक बार सुनिए जरा। SIT गठित, देखिए आरोप लगाना, आरोप साबित होना दो अलग अलग चीजें हैं। आरोप किसी के ऊपर भी लग सकता है, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता। किसी के ऊपर भी आरोप लग सकता है, उसकी इंक्वायरी होती है, SIT गठित की गई है, SIT की रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। महोदय मेरी बात सुनिए आप, ये ठीक है जांच हो रही है, दोषी साबित नहीं हुआ है, लेकिन इन BJP के अध्यक्ष, उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर, जब तक ये जांच साफ नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, या तो अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा दे दें, या इस्तीफा दे लें, जांच हो जाए। देखिए मैं समझता हूं कि ये जो है कि किसी के ऊपर आरोप लगने के बाद उसको आरोपित करार दे देना, FIR तो होती है, बहुत सारी FIR हुई हुई है, बहुत सारी FIR हुई हुई है, बहुत सारे काम जो बहुत सारी इंक्वायरी चल रही है, बहुत सारे लोग इस्तीफा लेंगे या वो देगा कि नहीं देगा, एक ही जवाब। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे। सारी परेशानी की बात है, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक कोई भी कोई इस्तीफा लेने का मकसद नहीं है। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, कोई भी आरोपी करार नहीं दिया जा सकता। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, कोई भी आरोपी करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए बहुत सारे देखिए, जब तक उस देखिए, ये सिर्फ ये इस तरह का व्यवहार, देखिए इस तरह का ये जो बैनर और ये बना करके लाना, ये ठीक नहीं है। जब आप देखिए, ये बिल्कुल देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। देखिए देखिए अब हो गया ये, नहीं दे ऐसा कि आरोप किसी के ऊपर भी लग सकते हैं, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते वो दोषी नहीं है, और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता उसको पूरे अधिकार है। ये देखिए मुर्दा साहब, चलिए ठीक है, वो तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब तक किसी के ऊपर आरोप लगाना बड़े आसान बात है, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, आरोपी साबित नहीं हो जाते, देखिए आपके व्यवहार से हंस रहे हैं, वो आपके व्यवहार से हंस रहे हैं कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद उसको दोषी करार दे रहे हैं बिना कोई जांच कंप्लीट हुए। जांच होने के बाद पता लगेगा कि वो दोषी है कि नहीं है, जब दोषी करार दिया जाएगा उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको किसी न्याय प्रणाली पे किसी पे अविश्वास नहीं है क्या? हाँ
देखिए मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी दयालुता से जो डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट उसे वापस ले लिया कि ताकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके। आजादी से नहीं, देखिए यही सुन, हाँ बेटियां, देखिए बेटियों के साथ जहां पर भी अन्याय होगा हम साथ खड़े होंगे। उसके साथ इंक्वायरी चल रही है, लेट इंक्वायरी भी कंप्लीटेड, जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। हाँ हाँ, बिना बिना कोई इंक्वायरी के उसको दोषी करार दे दो। मोदे मैं कहना चाहूंगा आगे इनके बहुत से लीडर ऐसे हैं जिन पर इस पर आरोप है, क्या उनको भी सजा दे देगा? बिना इंक्वायरी के सजा देना उनको? आपके भी बहुत लीडर हैं जिनके खिलाफ आरोप है, बहुत सारे नेताओं के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, क्या उनको यहाँ से सबको बर्खास्त कर दिया जाए? नहीं, बहुत सारे नेताओं के खिलाफ तरह तरह की इंक्वायरियां चल रही हैं। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती कोई आरोपी करार नहीं दिया जाता, किसी के ऊपर आरोप लगाने से आरोपी करार नहीं जाता। बताइए ना, आपका काम नहीं है अध्यक्ष जी, इन्होंने मुकदमे चलने तैयारी भीतर की है, नहीं रिपोर्ट दे दी? आप कह रहे हैं कि वो आरोपी है, आप बोल रहे हैं कि आरोपी है, फाइल हो चुकी है, हमारी सबूत तय हो चुके हैं, कुछ नहीं है, इनके खिलाफ चार्ज तय हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया ना? दे दिया आपने? मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया आपको? दे दो, कितने भीतर जाने बाकी जाने? मुख्यमंत्री जी को मैं कह रहा था सीबीआई की दे दो इंक्वायरी, अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते। अध्यक्ष जी ने पूछा चार्जशीट फाइल हो गई है कांग्रेस के मित्रों के खिलाफ, इन्होंने दे दिया इंक्वायरी हो जाएगी, ठीक आएगा तो ठीक, फिर बता रहे दे दिया तो फिर कैबिनेट मंत्री के खिलाफ चार्जशीट रख, कितने मुकेश दर्ज हो गया, दे दिया दे दिया बेटी बचाओ की वजह से तो निकिता शहीद हो गई। खाली आपने आपने अध्यक्ष महोदय देखिए हुड्डा जी है हो गया अब आपका, इनकी पार्टी एग्जीक्यूटिव में बुलाया जाता है। चलिए प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। देखिए अब हो गया, ये नहीं दिया जा सकता, इसलिए बहुत सारे देखिए जब तक देखिए ये सिर्फ ये इस तरह का व्यवहार, देखिए इस तरह का ये जो बैनर और ये बना करके लाना ये ठीक नहीं है। देखिए ये बिल्कुल, देखिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। देखिए अब हो गया, ये नहीं दिया जा सकता, इसलिए बहुत सारे देखिए जब तक देखिए ये सिर्फ ये इस तरह का व्यवहार, देखिए इस तरह का ये जो बैनर और ये बना करके लाना ये ठीक नहीं है। देखिए ये बिल्कुल, देखिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी दयालुता से जो डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट उसे वापस ले लिया कि ताकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके। आजादी से नहीं, देखिए यही सुन, हाँ बेटियां, देखिए बेटियों के साथ जहां पर भी अन्याय होगा हम साथ खड़े होंगे। उसके साथ इंक्वायरी चल रही है, लेट इंक्वायरी भी कंप्लीटेड, जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। हाँ हाँ, बिना बिना कोई इंक्वायरी के उसको दोषी करार दे दो। मोदे मैं कहना चाहूंगा आगे इनके बहुत से लीडर ऐसे हैं जिन पर इस पर आरोप है, क्या उनको भी सजा दे देगा? बिना इंक्वायरी के सजा देना उनको? आपके भी बहुत लीडर हैं जिनके खिलाफ आरोप है,
बहुत सारे नेताओं के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, क्या उनको यहाँ से सबको बर्खास्त कर दिया जाए? नहीं, बहुत सारे नेताओं के खिलाफ तरह तरह की इंक्वायरियां चल रही हैं। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती, कोई आरोपी करार नहीं दिया जाता, किसी के ऊपर आरोप लगाने से आरोपी करार नहीं देता। बताइए ना, आपने नहीं किया? काम नहीं है अशोक जी, इन्होंने पूरे मुकदमे चल रहे हैं, चारे भीतर किए, नहीं रिपोर्ट दे दिया। आप कह रहे हैं कि वो आरोपी है, आप बोल रहे हैं कि आरोपी है, फाइल हो चुकी है, हमारी मांग तय हो चुके हैं, कुछ नहीं है, इनके खिलाफ चार्ज तय हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया ना, दे दिया आपने? मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया आपको, दे दो। कितने भीतर जाने, बाकी जाने? मुख्यमंत्री जी को मैं कह रहा था सीबीआई की दो इंक्वायरी, अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते। अध्यक्ष जी ने पूछा, चार्ज शीट फाइल हो गई है कांग्रेस के मित्रों के खिलाफ, इन्होंने दे दिया, इंक्वायरी हो जाएगी, ठीक।